बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जैव विविधता परीक्षाओं में हाल के वर्षों में इस अध्याय से प्रश्नों की बहुलता बढ़ी है। काफी संख्या में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारत में जैव विविधता के अनेक पक्ष हैं, जिसमें सबसे पहले हम जैव विविधता के लिहाज से जो महत्वपूर्ण वास स्थल हैं, जहाँ जीवों का निवास होता है, यानी हैबिटेट, प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र हैं या वास क्षेत्र भारत में हैं जहाँ पर जैव विविधता का भंडार पाया जाता है। इसके अलावा हम भारत में जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास देखेंगे। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी स्तर पर कौन कौन से भारत सरकार या अन्य संगठनों द्वारा प्रयास किया गया है। इन्हीं प्रयासों के तहत हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल नीचे क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, है ना, और संबंधित तथ्यों का। इस अध्याय में प्रयास होगा कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न आप आसानी से परीक्षा में हल कर दें। इसका मकसद केवल होगा कि आपसे कोई भी फैक्ट छूट ना पाए, जो भी इस अध्याय से पूछा जाए आप आसानी से उसका उत्तर देने में सक्षम हो सकें। शुरुआत करते हैं। भारत दुनिया के 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता भारत विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत के सघन वनों में जैव विविधता का विशाल भंडार पाया जाता है। ब्राजील के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां सघन वनों में ब्राजील के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जिसके सघन वनों में जैव विविधता का विशाल भंडार पाया जाता है। यानी अगर सघन वनों में हम जैव विविधता देखें तो भारत का स्थान ब्राजील के बाद आता है। भारत में वनस्पतियों की लगभग 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। वनस्पतियों की 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर हम जीव जंतुओं और कीटों की प्रजातियां देखें तो यहां पर जीव जंतुओं और कीटों की 75,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जो जैव विविधता है वो कहां पर संरक्षित है ज्यादातर? भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, और नीलगिरी क्षेत्र में। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और नीलगिरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता का भंडार पाया जाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी घाट जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढका हुआ क्षेत्र है, यहां पर बायोडाइवर्सिटी की विशाल मात्रा पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा अब तक जैव विविधता के संरक्षण के लिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए 105 नेशनल पार्क, 543 वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं, जहां जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों को अलग अलग उद्देश्यों से यहां पर स्थापित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इन तीनों का मकसद अलग अलग होता है, बायोस्फीयर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, इन तीनों को अलग अलग उद्देश्य के साथ स्थापित किया जाता है। इन उद्देश्यों के साथ हम इनके विवरण पर आगे गौर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि भारत में ऐसे कौन कौन से वास क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता, जैसे जितने तरह के वास क्षेत्र होंगे जैव विविधता की विशेषता भी उतनी अलग होगी। जैसे थार के मरुस्थल में जीवों की विशेषताएं अलग होती हैं, थार के मरुस्थल में वही जीव नहीं पाए जाएंगे जो पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे। पश्चिमी घाट में अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, थार के मरुस्थल में दूसरे तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं।
गिर की पहाड़ी पर अलग तरह का जीव पाया जाता है। जो हिमालय का क्षेत्र है यहाँ पर वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां अलग अलग होती हैं। तो हम इन वास क्षेत्रों पर गौर करेंगे। जैव विविधता से तात्पर्य क्या होता है? जैव विविधता से तात्पर्य केवल जीव जंतुओं से नहीं होता है। जब हम जैव विविधता शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों, जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता। ये होता है जैव विविधता। जैव विविधता मतलब कि जीव जंतु या कीट पतंगे नहीं आते हैं, इसमें वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता को भी शामिल किया जाता है। भारत दुनिया के 12 सर्वाधिक, भारत विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है और ब्राजील के बाद भारत के सघन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। हमने सघन वनों शब्द का इस्तेमाल किया है। ब्राजील में अमेजन के सघन वन है, वहां पर प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, यानी जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की ब्राजील के अमेजन वर्षावनों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है ना। तो भारत के सघन वनों में जो जैव विविधता पाई जाती है उसका स्थान ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। क्लियर? तो ब्राजील के बाद भारत के सघन वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत में वनस्पतियों की 47,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जीवों जंतुओं और कीटों की 75,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। वन मिनट, ये 47 नहीं होना चाहिए। भारत में वनस्पतियों की 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जीव जंतुओं और कीटों की लगभग, ये लगभग करके आप देखेंगे, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, जीव जंतुओं और कीटों की 75,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जो जैव विविधता है वो ज्यादातर कहां सर निवास करती है? भारत में पश्चिमी घाट आप मैप में देख ही रहे होंगे, हिमालय क्षेत्र, या हम कह सकते हैं पूर्वी हिमालय, भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी का क्षेत्र पश्चिमी घाट से ही जुड़ा हुआ है ना। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और नीलगिरी क्षेत्र में जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारतीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए अब तक कुछ प्रयास किए गए हैं, हालांकि इन प्रयासों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन क्या क्या स्थापित किया गया है इस पर देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 105 नेशनल पार्क और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभयारण्य, 18 बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र, 105 राष्ट्रीय उद्यान और 543 वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की जा चुकी है। भारत में सवाल है कि इनकी स्थापना क्यों की जाती है? जब जंगली जीव जंगलों में ही रहते हैं, कीट पतंगे जीव जंतु जंगलों में ही रहने हैं, तो इनकी स्थापना क्यों की जाती है? यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं, बाद में बताया जाएगा। इंसान अपनी आबादी बढ़ाता जा रहा है, बढ़ती आबादी के लिए विकास चाहिए, विकास के लिए रोड चाहिए, रेल मार्ग चाहिए, पुल चाहिए, सुरंग चाहिए, नगरी केंद्रों का विस्तार चाहिए, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना चाहिए। इन सब के चलते इंसान ने लगातार जंगली जीवन में हस्तक्षेप किया। जब जंगली जीवन में हस्तक्षेप किया तो पेड़ों को काटना पड़ा, कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया, इससे भी पेड़ों को काटना पड़ा, औद्योगिक केंद्रों और नगरी शहरों का विस्तार किया गया, इससे भी पेड़ों को काटना पड़ा,
जो प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है जो हरे भरे जंगलों से ढका होता है, मानव के विकास कार्यों से ऐसे पर्यावरणीय प्राकृतिक क्षेत्र लगातार घटते चले गए। आजकल अखबारों में हम हमेशा पढ़ते हैं कि फला तेंदुआ या लेपर्ड शहर में घुस आया। जब लेपर्ड या तेंदुए के रहने का स्थान आप जंगल को काट करके सीमित कर देंगे तो लेपर्ड और तेंदुआ आपके घर में घुसेगा ही भोजन की तलाश में, है ना। तो इंसान और जानवरों के मध्य जो टकराव बढ़ा है उसके लिए दोष हम जानवरों को नहीं दे सकते, क्योंकि हस्तक्षेप की शुरुआत पहले इंसानों ने की। इसलिए इंसानों और जानवरों के जंगली जीव जंतुओं के मध्य हाल के वर्षों में टकराव की घटना देखी जा रही है। टकराव मतलब जब जीव जंतु शहरों में घुस आते हैं, है ना, तो वन विभाग की गाड़ी को बुलाया जाता है और उसे किसी तरह से पकड़ कर ले जाते हैं। कभी कभी इंसान जानवरों से ज्यादा बर्बर होता है और जानवर को कई इंसान मिलकर लाठी डंडे से मार डालते हैं। तो उनको भागकर शहरों में ना आना पड़े, उनके लिए कुछ प्राकृतिक क्षेत्रों को सुरक्षित कर दिया जाए और कोई इंसान वहां पर अगर पेड़ की कटाई करे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, कि वहां पे आप ना तो पेड़ काट सकते हैं, न जीवों का शिकार कर सकते हैं, न जीवों का शिकार करके उनके अंगों का आयात निर्यात कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं दुर्व्यापार। तो जीवों के अंगों का दुर्व्यापार ना हो सके, जीवों का शिकार ना हो सके, उनके उन पेड़ों को काटा ना जा सके। इवन कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां आप ईंधन के लिए भी, चारा के लिए भी लकड़ी नहीं काट सकते हो, है ना। तो ये तीनों अलग अलग तरह के हैं। ये जंगलों के जीवों के प्राकृतिक वास क्षेत्रों को सुरक्षित करने का एक तरह से प्रयास है। इनके बारे में हम आगे विवरण देखेंगे। अभी इसमें अध्याय में आपको बहुत कुछ पढ़ना है ना। धीरे धीरे जो भी फैक्ट बताता जा रहा हूँ उसे नोट करते जाइए और साथ में जो कॉन्सेप्चुअल बातें बताया जा रहा हूँ उसे भी लिखते जाइए। वो आपको मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखने में भी खूब काम आएंगे। मुख्य परीक्षा में कितना उत्तर लिखना होता है, मुश्किल से 200 शब्द 250 शब्द, तो जितना बोला जाता है अगर उसको आप लिखते हैं पूरा तो काम आएगा। नेक्स्ट, तो वास क्षेत्र, पहले हम वास क्षेत्र देख लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आमतौर पर लोग इसका अध्ययन नहीं करते हैं। वास क्षेत्र, जैव विविधता वास क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से संबंध है। जब एक सवाल पूछा जाता है अक्सर कि जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, प्रीलिम में हमेशा पूछा जाता है कि बायोडायवर्सिटी को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, है ना, तो प्राकृतिक आवास के संकट से है। चार विकल्प दिया जाएगा, जलवायु परिवर्तन से, ग्लोबल वार्मिंग से, जीव जंतुओं के शिकार से, है ना, या हो सकता है उसमें कि उनके अंगों के व्यापार से, या इंसानों द्वारा जंगली क्षेत्रों में औद्योगिक केंद्र खोल दिया जाता है उससे। नहीं, जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा प्राकृतिक आवास के विनाश से है। प्राकृतिक आवास का विनाश क्या होता है इस पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा प्राकृतिक आवास के विनाश से है। तो जो प्राकृतिक वास क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। हैबिटेट, जो प्रकृति ने जो हैबिटेट दिया है, प्रत्येक जीव जंतु एक निश्चित हैबिटेट में रहेगा। अगर उस हैबिटेट से उठाकर अगर आप उसे दूसरे हैबिटेट में डाल दोगे तो या तो वो खुद से ही मर जाएगा या कोई दूसरा जीव उसका शिकार कर लेगा, क्योंकि दूसरे वास क्षेत्र में जीवों की विविधता दूसरे प्रकार की होती है। प्रत्येक वास क्षेत्र कुछ विशिष्ट जीव जंतुओं को धारण किए रहता है। प्रत्येक वास क्षेत्र में जीव जंतुओं का आपसी भोजन का संबंध होता है। एक वास क्षेत्र के जीव जंतु को आप दूसरे वास क्षेत्र में हस्तांतरित नहीं कर सकते हो, वो कृत्रिम हस्तांतरण होता है। ये अलग बात है कि इंसान ने कुछ जीव जंतुओं को पालतू बना लिया है तो कुछ जीव जंतु हमेशा के लिए सुरक्षित रह गए हैं, लेकिन प्राकृतिक वास क्षेत्रों में जीव जंतु सुरक्षित नहीं होते हैं। कई प्रजातियां तो हरी भरी हैं, मतलब उनकी पर्याप्त संख्या है, जबकि भोजन के संबंध के चलते कुछ प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच जाती हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे हम वास क्षेत्रों का हम अध्ययन करेंगे। भारत में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में दूसरी जलवायु है, पश्चिमी घाट में दूसरी जलवायु है, तटीय क्षेत्रों में अलग तरह की जलवायु है। अरावली श्रेणी के पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है वहाँ बिल्कुल अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। कच्छ करण जो कि दलदली क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल अलग जलवायु पाई जाती है। तो चूंकि भारत में अलग अलग प्रकार के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत में कई प्रकार के वास क्षेत्रों का विकास हुआ है, है ना। जैसे भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत में
दक्षिणी पश्चिमी मानसून से खूब वर्षा होती है। ये मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट का क्षेत्र। ये मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। इसके चलते ये दोनों क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढके हैं। शिलांग पठार के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ शिलांग पठार है, पूर्वोत्तर भारत का मतलब है शिलांग पठार के आसपास का क्षेत्र और पश्चिमी घाट का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका है, इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ काफी लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वनों की लकड़ियां काफी कठोर होती हैं, ये वृक्ष काफी ऊंचे होते हैं, सूर्य का प्रकाश यहाँ धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, मुश्किल से पहुंच पाता है, इसलिए यहाँ वृक्षों के मध्य ऊपर उठने की प्रतिस्पर्धा होती है। चूंकि सूर्य का प्रकाश पाने के लिए वर्षा वनों में ऊपर उठने की प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए वृक्ष स्वाभाविक रूप से बहुत लंबे होते चले जाते हैं सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए। ऊपर उठने के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों होती है? क्योंकि हरे भरे जंगलों से धरती एकदम ढक जाती है, इसलिए प्रत्येक वृक्ष जब अंकुरित होता है तो बिल्कुल आसमान तक ऊंचा उठने का प्रयास करता है। इस चक्कर में कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। जो असफल हो जाते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं, जो सफल होते हैं वो हजारों वर्षों सदियों तक उनकी प्रजातियां खड़ी रहती है वहीं पर। तो जैसे जीवों और जंतुओं में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, तो वनस्पतियों में भी प्रतिस्पर्धा का खेल चलता रहता है। तो ये सदाबहार वनों से ढके हुए क्षेत्र हैं। इनमें से देखिए दुनिया में 35 विश्व भर में 35 स्थलों को अब तक विश्व भर में 35 स्थलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। पहले हम ये बता दें हॉटस्पॉट 35 हॉट स्पॉट स्थलों में से 4 भारत के हैं, 4 भारत में हैं। ये 4 हॉट स्पॉट क्या है, मैं इस पर आता हूं थोड़ी देर में। तो विश्व भर में घोषित 35 हॉट स्पॉट स्थलों में से 4 हॉट स्पॉट भारत में हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है इंडो वर्मा और चौथा है सुंडालैंड। लेकिन भारत में जो 4 हॉट स्पॉट स्थल हैं, उनमें से 2 ही भारत की मुख्य भूमि में हैं। यह है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इंडो वर्मा का क्षेत्र 2 देशों में विस्तृत है, सुंडालैंड एक तरह से पूरा का पूरा इंडोनेशियाई जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो पूरा इंडोनेशिया है ना, समुद्री क्षेत्रों समेत इंडोनेशिया के द्वीपों को हम सुंडालैंड कहते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा भारत से भी संबंधित है। मुख्य रूप से 2 ही क्षेत्र, ऐसे तो 35 हॉटस्पॉट में से 4 भारत में है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि में 2 ही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, सॉरी पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में स्थित पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है, इन दोनों को विश्व भर के 35 हॉट स्पॉट में से शामिल किया गया है। तो इस तथ्य का महत्व तब है जब हम समझ जाएं कि हॉट स्पॉट होता क्या है। आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम में भी, अगर आपका कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर नहीं है हॉट स्पॉट पे और आप खुश हैं ये सोचकर कि मैं तो जानता ही हूं कि भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा जान लेना है, आप थोड़ा सा ज्यादा जानिए। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं की डिमांड अब बढ़ रही है, पुराना वाला जानने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। हॉट स्पॉट, ऐसे स्थल, ऐसे प्राकृतिक पर्यावरणीय स्थल है ना, ऐसे प्राकृतिक और पर्यावरणीय स्थल जहां जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता और अधिकता पाई जाती है, साथ में प्राकृतिक आवास मानव द्वारा प्राकृतिक आवास के विनाश के चलते
विनाश के कारण कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्रों को हम या ऐसे संवेदनशील प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्रों को हम हॉटस्पॉट कहते हैं। हमने कहा कि विश्व भर में घोषित 35 हॉटस्पॉट स्थलों में से दो भारत में हैं। इनमें से भारत की मुख्य भूमि में दो ही हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इन्हें हॉटस्पॉट क्यों घोषित किया गया है? इसलिए ऐसे प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र जहां जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता पाई जाती है, लेकिन मानव द्वारा प्राकृतिक आवास के विनाश के चलते कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहते हैं। तो वास्तव में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय का क्षेत्र जैव विविधता का भंडार है। जहां जैव विविधता का भंडार होता है, जो प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र होते हैं, वहीं पर जीवों के विलुप्त होने का खतरा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां जीवों की प्रजातियों की विविधता बहुत ज्यादा होती है। कुछ सक्षम होते हैं खुद को धारणी बनाए रखने में, कुछ सक्षम नहीं हो पाते हैं। इंसान ने कुछ जानवरों को पालतू बना लिया है। जिन जानवरों को पालतू बना लिया गया है, जैसे उत्तर भारत के मैदान में देखिए, दो राज्य हैं विशेष रूप से बड़े बड़े, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहां पर बहुत से जीवों को पालतू बना लिया गया है। क्या यहां पर प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है? नहीं है। यहां पर भी बहुत सारे मवेशी पाए जाते हैं, लेकिन वो पालतू हैं। क्या उनके विलुप्त होने का खतरा है? नहीं है। लेकिन जंगलों में कोई सुध नहीं लेता है, बहुत से जीव विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के क्षेत्र हैं। वास्तव में जल और जीवन के बीच घनिष्ठ संबंध है। जल और जीवन के बीच घनिष्ठ संबंध है। सर्वाधिक प्रजातियों की संख्या वहीं पाई जाती है जहां वर्षा ज्यादा होती है। जैसे पश्चिमी घाट और शिलांग पठार के आसपास के क्षेत्र, यहां पर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रजातियों की संख्या भी यहां पर ज्यादा है। अगर हम पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के बाद देखें, तो हम पश्चिम में, आप देखिए पश्चिमी भारत में कच्छ का रण है। पश्चिमी भारत में क्या है? कच्छ का रण। कच्छ का रण क्या है? एक समुद्र के जल से आच्छादित एक दलदली भूमि है। इस दलदली भूमि में क्या पाया जाएगा? अधिकतर रेंगने वाले जीव पाए जाएंगे। या पक्षियां पाई जाएंगी, क्योंकि दलदली क्षेत्र है, या फिर कीट पाए जाएंगे, है ना। तो अलग अलग तरह के वास क्षेत्र हैं, इसलिए अलग अलग तरह की भारत में जैव विविधता पाई जाती है। यहां पर पहले ही थोड़ा सा स्पष्ट कर ले कि भारत में कितने प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। जैव विविधता के लिहाज से भारत को दस जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मतलब भारत में जीवों की विशेषताओं के लिहाज से, जैव विविधता की विशेषताओं के लिहाज से 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। 10 भौगोलिक क्षेत्र कहने का मतलब कि इन 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में प्रजातियों की विशेषताएं अलग हैं। इन 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु अलग है। पहले तो हम क्या कहेंगे, इन 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु अलग है, इसलिए प्रजातियां भी अलग हैं। यहां की जलवायु, जलवायविक परिस्थिति भिन्न भिन्न है, इसलिए प्रजातियों की विशेषताएं भी भिन्न भिन्न है। इन 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाली जो प्रजातियां होती हैं, उन्हें हम स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजातियां। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रत्येक जीव विशिष्ट जलवायु की परिस्थिति में ही निवास कर सकता है, इसलिए इन सभी 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग तरह की स्थानिक प्रजातियों का विकास हुआ है, और ये अपने जैव भौगोलिक क्षेत्रों के लिए ही बने हैं। इन्हें उठाकर आप दूसरे जैव भौगोलिक क्षेत्र में डाल देंगे तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे।
ये 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन है? प्रीलिम में ये फैक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ प्रीलिम के लिहाज से महत्वपूर्ण समझिएगा। मान लेते हैं आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 4, 5, 6, 10, 15, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, तीसरा है मरुस्थली क्षेत्र, मतलब अरावली के पश्चिम का हिस्सा, चौथा है अर्ध शुष्क क्षेत्र। इस अर्ध शुष्क क्षेत्र का तात्पर्य गिर के आसपास के क्षेत्र से है, जो दक्षिणी गुजरात है ना, गिर उसके आसपास के क्षेत्र से है। पांचवा है पश्चिमी घाट क्षेत्र, छठा है दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, सातवां है गंगा का मैदान, आठवां कौन सा है उत्तर पूर्व भारत। ध्यान रहे इस उत्तर पूर्व भारत का तात्पर्य पूर्वोत्तर भारत से नहीं है, ये बंगाल के आसपास का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व भारत। नौ तटीय क्षेत्र, और दसवां है द्वीपीय क्षेत्र। ये भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। आइए थोड़ा सा इनका परिचय ले लेते हैं कि ये जो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर किस तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, चाहे वो वनस्पतियों की हों या फिर जीवों की हों। एक छोटा सा परिचय ले लेने से आपके दिमाग में रहेगा कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र या हिमालय के क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र या तटीय क्षेत्रों में कौन किस तरह की प्रजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, है ना। प्रीलिम के लिहाज से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग बांट कर हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम क्षेत्रों का नाम ले लेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र काफी ऊंचाई पर है ना। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाती है? अल्पाइन वनस्पति। एक्चुअली ये काफी ऊंचाई पर स्थित है ट्रांस हिमालय, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो तीन पर्वतीय श्रेणियां हैं इन्हें हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। बहुत ऊंचे पर्वत जो है बर्फ से ढके रहते हैं, है ना, बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर जीव कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पर हिम लेपर्ड, संगमरमर के रंग वाली बिल्ली, इसे मार्बल्ड कैट कहते हैं, मार्बल्ड कैट मतलब संगमरमर के रंग वाली बिल्ली, और काली गर्दन वाला हंस, काली गर्दन वाला हंस। हम इन्हें इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि प्रीलिम में अगर आप पूछा जाए तो आपको पता रहे कि संगमरमर के रंग वाली बिल्ली भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है ना, ये सब काम देगा। ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाई जाने वाली वनस्पतियां और जीव या जंतुओं की प्रजातियां हैं। अब हम हिमालय देखते हैं। हिमालय क्षेत्र, भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। हिमालय क्षेत्र की विशेषता यह है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जलवायु बदल जाती है, जलवायु बदल जाती है ना।
जैसे जैसे आप हिमालय क्षेत्र में ऊपर की ओर जाएंगे अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, इसलिए हिमालय क्षेत्र में इसकी तलहटी से लेकर शीर्ष तक, इसकी तलहटी में जहां सदाबहार वन भी मिल सकते हैं, सदाबहार वन, इसलिए हिमालय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर सदाबहार वनों से लेकर अल्पाइन वनस्पतियां तक मिलती हैं। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर हिमालय क्षेत्र में चूंकि जलवायु चेंज होता जाता है, तो उसके साथ साथ वनस्पतियों की विशेषताएं भी लगातार बदलती जाती हैं। यही कारण है कि हिमालय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर सदाबहार वनों से लेकर अल्पाइन वनस्पतियां तक पाई जाती हैं। सवाल है कि हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ साथ कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय क्षेत्र में 1500 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन और पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, मतलब ये अपनी पत्तियां कम गिराते हैं, ज्यादा दिनों तक हरे भरे रहते हैं, ये आर्द्र होते हैं। तो 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। यहां पर जान लीजिए कि अधिकतर क्षेत्रों में 1500 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र पर्णपाती वन ही होते हैं, सदाबहार वन कुछ ही क्षेत्रों में 1500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। पूरे हिमालय के साथ साथ ही ये 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन नहीं मिलते हैं, कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं। 2500 मीटर की ऊंचाई पर चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं, 2500 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देवदार, हम वनस्पति वाला अध्ययन नहीं पढ़ा रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम केवल वनस्पतियों और जीवों की विविधता तक यहाँ पर सीमित रहेंगे। तो चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वन होते हैं देवदार, हिमाचल प्रदेश में इसकी संख्या ज्यादा है। देवदार की 3600 मीटर की ऊंचाई पर देख लेते हैं, सदाबहार कोणधारी वन, ये कोणधारी वन सदाबहार होते हैं, ध्यान रहे ये भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इन्हें हम सदाबहार कोणधारी वन कहते हैं। इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, वृक्ष भी ऊपर की ओर नुकीले होते हैं। 4200 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, या अल्पाइन वनस्पति 5100 मीटर की ऊंचाई तक भी कुछ पाया जाता है, घास काई, इसे हम क्या कहते हैं, टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा वन, 5100 मीटर की ऊंचाई पर टुंड्रा वन पाया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि जैसे जैसे हिमालय में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं वर्षा की मात्रा घटती जाती है, बर्फीले क्षेत्र बढ़ते जाते हैं। हिमालय में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान गिरेगा, सबसे पहली बात, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तापमान गिरता जाता है, जलवायु बदलती जाती है, वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है ऊपर जाने पर, है ना, जल बूंदों के रूप में वर्षा की मात्रा घटती है और बर्फबारी ज्यादा दिखाई देती है, ज्यादातर क्षेत्र हिमाच्छादित मिलने लगते हैं, इसलिए ऊपर की ओर जाने पर वनस्पतियों की प्रकार भी बदलते चले जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो विशिष्ट जीव है, स्थानिक जीव, हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला हिम लेपर्ड और भूरा भालू, हिम लेपर्ड और भूरा भालू हिमालय क्षेत्र की विशिष्ट स्थानिक प्रजाति है। अब हम देखेंगे भारत का मरुस्थल क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र अरावली के पश्चिम का क्षेत्र आप देखिए, अरावली के पश्चिम में राजस्थान और गुजरात में जितने भी क्षेत्र हैं, जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित राजस्थान और गुजरात के सम्मिलित क्षेत्र, अरावली के पश्चिम में स्थित राजस्थान और गुजरात
गुजरात हम नहीं कहेंगे, हम इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें, कच्छ का राजस्थान और कच्छ का मरुस्थल, कच्छ भी एक मरुस्थली क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वहां भी वर्षा नहीं होती है। तो आप कहेंगे दलदली कैसे है, वहां पर समुद्री जल का आच्छादन है, समुद्री जल फैल गया इसलिए दलदली हो गया, लेकिन वहां वर्षा नहीं होती है। तो अरावली के पश्चिम स्थित राजस्थान और कच्छ के मरुस्थली क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र में रखा गया है। 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में एक क्षेत्र है मरुस्थल क्षेत्र, इसके अंतर्गत राजस्थान और कच्छ के मरुस्थल क्षेत्र को रखा गया है। अरावली के पश्चिम स्थित क्षेत्र में वर्षा काफी घट जाती है। हमने पढ़ा था इससे पहले कि बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर भारत के मैदान में कलकत्ता के समीप से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। बंगाल की खाड़ी शाखा दिल्ली तक वर्षा करती है, लेकिन उसके बाद दिल्ली तक विस्तृत है। अरावली की पहाड़ियां पालनपुर से दिल्ली तक विस्तृत हैं, तो अरावली पहाड़ियां बंगाल की खाड़ी शाखा को पश्चिम में नहीं बढ़ने देती है ना। साथ ही बंगाल की खाड़ी शाखा में आर्द्रता की मात्रा काफी घट जाती है, क्योंकि ज्यादातर जल बूंदों को उत्तर भारत के मैदान में ही गिरा देती हैं, फिर वो शुष्क हो जाती हैं दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते, इसलिए भी वर्षा नहीं हो पाती इसके बाद। तो पूरा का पूरा राजस्थान का मरुस्थल और कच्छ का जो क्षेत्र है वो मरुस्थली रह गया है। यहाँ पर जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों का काफी अभाव पाया जाता है, यहाँ पर जीवों और वनस्पतियों की संख्या काफी कम पाई जाती है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में आप देख लीजिए तो केवल अधिकतर झाड़ियां और कांटेदार वनस्पति ही ज्यादातर दिखाई देंगे, नागफनी कैक्टस वगैरह है ना। जीवों में यहाँ पर कच्छ के रन वाले क्षेत्र में अगर आप देखिए तो जंगली गधा, जंगली गधा, नीलगाय, चिंकारा, मरुस्थली लोमड़ी, मरुस्थली लोमड़ी और मरुस्थली बिल्ली, मरुस्थली लिखेंगे इसे है ना, मरुस्थली लोमड़ी, मरुस्थली बिल्ली, फ्लेमिंगोज एक अन्य तरह का जीव होता है, इसके बारे में गूगल में सर्च कर लीजिए कि फ्लेमिंगोज क्या होता है, फ्लेमिंगोज है ना। ये सभी कच्छ के रन के स्थानिक जीव हैं, कच्छ का रन नहीं, कच्छ के मरुस्थली क्षेत्र स्थानिक प्रजातियां हैं। हम फिर से रिपीट कर दें, जंगली गधा, नीलगाय, चिंकारा, मरुस्थली लोमड़ी, मरुस्थली बिल्ली और फ्लेमिंगोज कच्छ के मरुस्थली क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजातियां हैं। इसके अलावा ब्लैक बक इस मरुस्थली क्षेत्र की एक संकटग्रस्त प्रजाति है। ब्लैक बक इस मरुस्थली क्षेत्र की संकटग्रस्त प्रजाति है मरुस्थली क्षेत्र। हाँ, इसके अलावा जो मरुस्थली क्षेत्र है यहां पर रेंगने वाले जीवों, मरुस्थल में भी जो रेतीले क्षेत्र होते हैं वहां भी बहुत से रेंगने वाले जीव होते हैं है ना, रेंगने वाले जीवों जो बालू में छिप जाते हैं, जरूरत पड़ने पर फिर निकल जाते हैं, रेंगने वाले जीवों, कीटों, क्योंकि कच्छ का रन जो है दलदली क्षेत्र है तो वहां पर कीट पाए जाते हैं, रेंगने वाले जीवों, कीटों और पक्षियों की बहुलता पाई जाती है, रेंगने वाले जीवों, कीटों, पक्षियों की बहुलता पाई जाती है। इसके अलावा ये यहाँ के स्थानिक प्रजातियां हैं जिनमें से ब्लैक बक एक संकटग्रस्त प्रजाति है। अध्यापकों की टीम गठित करके मैंने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बैच बनाया है जिसमें भूगोल और पर्यावरण परिस्थितिकी का 50% भाग मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। हालांकि इन दोनों विषयों में मैंने अध्यापक भी बुलाए हैं क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है और कवर करने के लिए 3 महीने का समय है, जिसमें अन्य विषय भी हैं, इतिहास है, साइंस है, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, तो बहुत सारे विषय, करंट अफेयर्स है, तो इन सभी को 3 महीने में कवर करना है चूँकि, इसलिए ज्योग्राफी का 50% भाग ही मैंने रखा है, अन्य हिस्सा मैंने दूसरे अध्यापकों को दिया है।
तो 15 दिसंबर को आयोजित होने वाले हमारे इस बैच में आप आइए, उसमें एडमिशन प्रक्रिया अभी 28 अगस्त तक खुली हुई है। आप एक व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, स्क्रॉल कर रहा होगा, उस व्हाट्सएप पर अगर आप हमें एंट्री यूपी पीसेस लिखकर भेजेंगे तो वहाँ पर आपको एडमिशन प्रक्रिया तुरंत बताई जाएगी। क्लियर? हाँ, इसके बाद हम देखते हैं अर्धशुष्क क्षेत्र। अर्धशुष्क क्षेत्र मरुस्थली क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। जो अर्धशुष्क क्षेत्र है वो मरुस्थली क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ये गुजरात का दक्षिणी भाग है ना। यहां पर गिर के आसपास एशियाई शेरों का निवास है। यहां पर गिर क्षेत्र में एशियाई शेरों का निवास पाया जाता है। भारत में महज 300-350 एशियाई शेर पाए जाते हैं। इन्हें एशियाई शेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे एशिया में गिर के अलावा कहीं और शेर नहीं पाए जाते हैं। शेर केवल अफ्रीका की विशेषता है। सवाना, अफ्रीका का जो सवाना क्षेत्र है वहां पर शेर पाए जाते हैं। सवाना क्षेत्र का मतलब होता है वर्षा काफी कम होती है, ज्यादातर क्षेत्र में कठोर झाड़ियां उगती हैं। चूंकि वर्षा होती नहीं, कठोर झाड़ियां उगती हैं, ऐसे ही झाड़ीदार क्षेत्र में शेर पाए जाते हैं। शेर कभी हरे भरे जंगलों में दहाड़ते हुए आपको नहीं मिलेंगे। हरे भरे जंगलों में बाघ रहता है, बाघ। शेर खुले मैदान में रहता है, वहां पर हरा भरा जंगल नहीं रहता है, केवल झाड़ी पाई जाती है। खुले मैदान में झाड़ी युक्त क्षेत्रों में रहता है जहां बारिश काफी कम होती है। तो गुजरात में भी एक ऐसा ही क्षेत्र पाया जाता है। गुजरात में गिर के आसपास एक झाड़ीदार क्षेत्र है, झाड़ी का नाम है यूफोर्बिया। झाड़ी का नाम है यूफोर्बिया नामक झाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है गिर, और इसी झाड़ीदार क्षेत्र में शेरों का आवास है। ये यूफोर्बिया एक तरह से सवाना झाड़ी ही कह सकते हैं इसको हम, है ना। ये क्या है? सवाना प्रकार की झाड़ी है, इसे हम सवाना प्रकार की झाड़ी कह सकते हैं। एक्चुअल में प्रायद्वीपीय भारत पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। प्लेट में जब दरार आया तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा अफ्रीका से टूटकर अलग हो गया। इसके चलते कुछ शेर अफ्रीकी भूमि से अलग हो गए और भारत के गिर में उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो गए, है ना। जब भारत टूटकर अलग हुआ प्रायद्वीपीय भारत, तो जो शेर गिर क्षेत्र में रहते थे वो अपने बाकी रिश्तेदारों से अलग हो गए। इस यही कारण है कि भारत में शेर पाया जाता है। अब हम देखेंगे पश्चिमी घाट का क्षेत्र। ये भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट क्षेत्र में ही पाई जाती है। पश्चिमी घाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 160,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? लगभग 1600 मीटर। 1200 मीटर औसत ऊंचाई, 1600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 1600 मीटर पश्चिमी घाट की लंबाई है। पश्चिमी घाट कहां से कहां तक विस्तृत है? तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यानी इसको सह्याद्री भी कहते हैं। स्थानीय रूप से पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री। सह्याद्री का विस्तार पश्चिमी घाट के मुहाने से लेकर नीलगिरी पर्वत होते हुए उसके दक्षिण में पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रे के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ियों होते हुए महेंद्रगिरी तक है, जो कि लगभग कन्याकुमारी तक चला जाता है। तो 1600 किलोमीटर की लंबाई में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत पश्चिमी घाट भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। पश्चिमी घाट के अंतर्गत भी सर्वाधिक जैव विविधता नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। केरल में स्थित, केरला में एक जगह है, जंगली क्षेत्र है, सदाबहार वनों से ढका एक इलाका है, जिसे हम कहते हैं शांत घाटी। शांत घाटी यानी इंग्लिश में साइलेंट वैली। इसे शांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हरे भरे जंगलों से ढका हुआ क्षेत्र है जहां पर कोई प्रवेश नहीं कर पाता। प्रवेश करना इंसानों का मुश्किल है।
यानी इंसानों ने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया, इंसान तो कहीं भी प्रवेश कर जाता है। जब चंद्रमा और मंगल तक पहुंच गया तो जंगल में प्रवेश करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अब तक इंसानों ने वहां पर प्रवेश नहीं किया है, यानी उसे सुरक्षित छोड़ दिया है। तो ये हरे भरे जंगलों से ढका हुआ एक पहाड़ी इलाका है, एक दुर्गम पहाड़ी इलाका है, इसलिए भी अब तक प्रवेश नहीं किया गया है, काफी दुर्गम क्षेत्र है ये। तो ये पूरा जो केरल का क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, और नीलगिरी क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जैव विविधता केरल के शांत घाटी में पाई जाती है ना। यानी पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में, और केरल का जो शांत घाटी क्षेत्र है, जो जैव विविधता का भंडार है, वो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत भी ही शामिल है। हालांकि नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र तीन राज्यों में विस्तृत है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहां की स्थानिक प्रजातियां कौन कौन सी हैं? नीलगिरी ताहर, मालाबारी, मालाबारी भूरे हॉर्नबिल, फ्लाइंग गिलहरी, लायन टेल्ड मैकॉक, मकाक, मकाक एक तरह से वानर प्रजाति है, लायन टेल्ड उसका सिंह पुच्छ बंदर, इसे हिंदी में कहते हैं सिंह पुच्छ बंदर, उसका पूंछ जो होता है ना शेर की तरह होता है, बाघ की तरह लगेगा, सिंह पुच्छ बंदर कहते हैं। ये पश्चिमी घाट क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां हैं। इनमें से जो लायन टेल्ड मकाक है ये पश्चिमी घाट की संकटग्रस्त प्रजाति है, है ना? ये पश्चिमी घाट जैव भौगोलिक क्षेत्र की संकटग्रस्त प्रजाति है। पश्चिमी घाट में इतनी जैव विविधता क्यों पाई जाती है? इसका रीजन है कि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, यह भारत में सबसे ज्यादा वर्षा करने वाला क्षेत्र है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर खूब वर्षा करती है। यही कारण कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पूरा का पूरा सदाबहार वनों यानी वर्षा वनों से ढका हुआ है। पश्चिमी घाट पर जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये पूरा हिस्सा सदाबहार वर्षा वनों से ढका हुआ है। ऊपर जाने पर यहाँ पर ये वाले हिस्से में सबसे ऊपर आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं, मतलब वर्षा की मात्रा थोड़ी घटती चली जाती है। तो निचले क्षेत्रों में सदाबहार यानी वर्षा वन मिलते हैं, ऊपर के क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। यानी पश्चिमी घाट दो प्रकार के वनों से विशिष्ट है, पहला वर्षा वन और दूसरा आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन वर्षा वनों से ढका जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा से वर्षा प्राप्त करता है और ये भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक है और इसीलिए जंगलों से ढका हुआ है। और चूंकि यहाँ पे प्राकृतिक आवास की कमी नहीं है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जैव विविधता का विकास हुआ है, विविध प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ, विश्व में 35 हॉटस्पॉट है, विश्व के 35 हॉटस्पॉट में से चार भारत में है, जिनमें से एक कौन सा है? पश्चिमी घाट है। दुनिया में जितने भी हॉटस्पॉट स्थल हैं उनमें से पश्चिमी घाट सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला हॉटस्पॉट है। विश्व में जितने भी हॉटस्पॉट हैं, विश्व के सभी हॉटस्पॉट स्थलों में से पश्चिमी घाट सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला हॉटस्पॉट है।
इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका बात का मतलब कि यह है कि यहाँ पर जनसंख्या अच्छी खासी बसी हुई है। आप देखिए पश्चिमी घाट के सहारे सभी शहर हैं, आसी पास हैं, है ना, सूरत, मुंबई, पुणे, एवरीथिंग, है ना, कर्नाटक, गोवा के जितने शहर हैं, केरला के शहर, चाहे माहे हो, तिरुवनंतपुरम हो, कोच्चि हो, ये सभी पश्चिमी घाट के साथ साथ विकसित हुए हैं। तो जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होने के चलते यहाँ नगरी क्षेत्रों का विकास हो रहा है, नगरी क्षेत्रों, और साथ में पश्चिमी घाट के आसपास जो भी नगरी क्षेत्र हैं वहाँ पर औद्योगिक केंद्र भी हैं जहाँ लोगों को रोजगार मिलता है। इसके चलते पूरे भारत से जनसंख्या का प्रवास, ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का जो प्रवास है वो पश्चिमी घाट के आसपास स्थित नगरी केंद्रों में तेजी से हो रहा है। इसके चलते पश्चिमी घाट के आसपास जो नगरी केंद्र हैं वहाँ पर उद्योगों में भी वृद्धि हो रही है, नगरों का भी प्रसार हो रहा है, उद्योगों का भी प्रसार हो रहा है, नगरी केंद्र भी नए नए खुल रहे हैं और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी हो रही है नई नई, है ना। इसके चलते विकास की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, तो विकास की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, नगरों का विकास हो रहा है, नई औद्योगिक इकाइयां खुल रही हैं, सड़क मार्गों का विस्तार हो रहा है, रेल मार्ग, सुरंग और रेल पुलों का विस्तार हो रहा है, है ना। रेल मार्ग और सड़क मार्ग केवल शहरी क्षेत्रों से ही नहीं गुजरते हैं, वो पश्चिमी घाट को काटते हुए आर पार चले जाते हैं, है ना, पश्चिमी घाट को काटते हुए आर पार चले जाते हैं, जंगल के बीचों बीच से हाईवे गुजारे जा रहे हैं, सड़क मार्ग गुजारे जा रहे हैं, इन सब से पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थानिक प्रजातियों के लिए अस्तित्व का खतरा बना हुआ है। बहुत से जीव जो है विलुप्त हो चुके हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं क्योंकि इंसान का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। हाँ, भारत के दो जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र, भारत के दो जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र, इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, और 13 नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। भारत के दो जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र और 13 राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट क्षेत्र में ही शामिल है, यानी पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही स्थापित किए गए हैं। ये दो जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? इनमें से पहला है नीलगिरी। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 1986 में स्थापित किया गया था, है ना, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो पहला है नीलगिरी और दूसरा है अगस्त्यमलाई। इसे कहीं अगस्त्यमलाई लिखा जाता है, कहीं अगस्थीमलाई लिखा जाता है। ये केरल में स्थित है, सॉरी, केरल और तमिलनाडु। तो भारत के दो बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं और साथ में 13 राष्ट्रीय उद्यान। भारत में जैव विविधता वाला जो अध्याय है वो एक बड़ा अध्याय है, है ना। इसमें कम से कम 3 वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा, लगातार 3 दिनों तक आपको एक एक वीडियो जैव विविधता पर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस अध्याय को आप मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे तो आने वाले एग्जामों में यहाँ से आपको 4 से 5 सवाल भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि रिलेटेड टॉपिक और एरिया भी कवर करवा रहा हूँ, है ना। तो 4 से 5 सवाल केवल इसी अध्याय से आपको मिल सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ से आप लोग नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।